जय हिंद साथियों, सभी भाइयों को राम राम नमस्कार। साथियों आप लोगों को बता दें, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि आरआरबी टेक्नीशियन की सीटों की संख्या को इंक्रीज कर दिया गया है और आयोग के द्वारा ऑफिशियल नोटिस भी जारी कर दिया गया है। और इसी के रिगार्डिंग आप लोग को अच्छे से मालूम होगा दोस्तों कि ऐसे ऐसे भी जोन अब हम लोग को देखने को मिले हैं जो कि पहले बहुत कम सीटों पर वैकेंसी थी और अब वो टॉप में आ चुकी है जोने। तो आप लोग को बतलाना चाहेंगे दोस्तों कि आप लोग पहले फॉर्म को जिस भी जोन में फिलअप किए हैं अब वो आप लोग का मायने नहीं रखता है, क्योंकि आयोग अब आप लोग का फॉर्म का जो है मॉडिफाई करने का टाइम दे रहा है, 15 दिनों का आप लोग का डेट जारी करेगा आयोग। कभी भी लिंक को एक्टिवेट कर सकता है आयोग, ऐसा नहीं है कि मतलब 10-15 दिन के बाद ही करेगा, आज भी कर सकता है कल भी कर सकता है, क्योंकि आयोग ने कोई भी डेट जो है मेंशन नहीं किया है। कभी भी आप लोग का लिंक जो है एक्टिव कर सकता है आयोग के द्वारा। तो आप लोग को दोस्तों अभी से ही तत्पर रहना होगा कि आखिर कहां पर आप लोग को फॉर्म को फिलअप करना चाहिए ताकि आप लोग के लिए बेस्ट रहने वाला है, ताकि आप लोग का जो सिलेक्शन होने के चांसेस जो है वो ज्यादा हो सके दोस्तों। तो इसी के रिगार्डिंग हम आप लोग को अभी जो वीडियो बतलाएंगे वो स्पेशली फीटर ट्रेड का बतलाने वाला है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आप लोग को हम स्पेशली अभी फीटर ट्रेड वाले जितने भी हमारे भाई हैं उनके लिए वीडियो अभी स्पेशल होने वाला है। घबराना नहीं है आप लोग, अगर इलेक्ट्रीशियन से है भैया या फिर आप लोग किसी भी ब्रांच से है, वेल्डर है, मशीनिस्ट है, किसी से भी है, तो आप लोग के लिए स्टेप बाय स्टेप 2-2 घंटे बाद 3-3 घंटे बाद सभी लोगों का जो है सारा सेफ जोन बतलाने वाले हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा अगर आप लोग टेक्नीशियन में सही मायने में फॉर्म को फिलअप करने वाले हैं या फिर किए हैं तो दोस्तों। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के फीटर ट्रेड के लिए समझ लेते हैं कि कहाँ पर आखिर कम कट ऑफ जाने की संभावना है और कौन सा जो है हम लोगों के लिए सेफ जोन इस बार रहने की उम्मीद बन रही है दोस्तों। तो आप लोग को सबसे पहले तो दिखलाना चाहेंगे जो मैंने आप लोग के लिए डाटा बनाया हुआ है वो डाटा आखिर है कौन सा, आखिर किस डाटे की मैं बात कर रहा हूं। तो दोस्तों देखिए, ये है हम लोग का टेक्नीशियन फीटर ट्रेड का डाटा। देखिए दोस्त, यहां पर आप लोग का टोटल वैकेंसी को मैंने मेंशन कर दिया गया फीटर ट्रेड के लिए, ठीक है। ये आप लोग का घटते क्रम में यहां पर मैंने टोटल अरेंज किया है, जैसे मैं 920 सीटों पर वैकेंसी है चेन्नई में, मुंबई में है 829 सीटों पर वैकेंसी, इसी तरह स्टेप बाय स्टेप हम लोग नीचे की तरफ डाउन होते चले जाएंगे दोस्तों। तो देखिए, अगर आप लोग फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं हमारे प्यारे साथियों, तो आप लोगों को कभी भी टोटल सीटों की संख्या से मतलब नहीं रखना चाहिए। देखिए ऐसा क्यों हम बोल रहे हैं, जैसे आप लोग ही समझ लीजिए, अगर आप मान लीजिए कि जनरल कैटेगरी से हैं, ठीक है, अगर आप मान लीजिए कि जनरल कैटेगरी से हैं और अगर आप फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं भैया कहां पर, तो चलिए हम लोग मान लेते हैं कि आप लोग मुंबई में फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं, आप लोग जनरल कैटेगरी से देख रहे हैं कि 829 सीट है भैया, चलो आराम से फॉर्म को फिलअप कर देते हैं। अब आप लोग को लॉस क्या होने वाला है, मान लीजिए कि जनरल का वहां पर मात्र 10 सीट है और टोटल जितना भी 819 सीट है वो सारा ओबीसी का है, तो आप लोग जनरल से रहते हुए भी वहां पर आप लोग का फायदा है, कभी भी नहीं है। तो भैया इसी हिसाब से, इसी प्रकार से आप लोग को अपने कैटेगरी का सीटों की संख्या को जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों आप लोग को दिखलाना चाहेंगे, यहां पर हम आप लोगों के लिए कैटेगरी का मैंने सीट को मेंशन किया हुआ है। देखिए जैसे ये जनरल कैटेगरी का है, बतलाने वाले हैं कि कौन सा आप लोग के लिए बेस्ट रहने वाला है इस बार, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यू सभी कैटेगरी का बतलाएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर करिएगा, चैनल पर विजिट किया है सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा, क्योंकि दोस्तों हम आप लोगों को लेटेस्ट जॉब का अपडेट्स और जॉब में कुछ बदलाव होता है, कुछ मॉडिफिकेशन वगैरह होती है, एडमिट कार्ड आती है, सारे इन्फॉर्मेशन हम आप लोग को देते रहते हैं दोस्तों। देखिए उससे पहले थोड़ा सा एक छोटा सा आप लोगों से दोस्तों बस 1 मिनट का टाइम लेना चाहेंगे, आप लोग को एक नोट दिखलाना चाह रहे हैं। देखिए बहुत सारे भाइयों का हमारे पास मैसेज आता है ना कि भैया क्या होता है कि हम बाहर रहते हैं और हमें जो है भैया तैयारी करने में प्रॉब्लम होती है, तो हमें जो है कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट जो है नोट्स दे दीजिए ताकि हम लोग कहीं भी मोबाइल निकाल करके इजीली प्रिपरेशन अपने एग्जाम के लिए कर सके। तो देखिए हमारे प्यारे साथियों, आप लोगों के लिए हम यहाँ पर स्पेशल एक नोट्स बना दिए हैं। देखिए यहाँ पर बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग से आप लोग का ये सारा टॉपिक है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग से है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये मैथमेटिक्स से है, यानी कि मैथ से दोस्तों। और हाँ बतलाना चाहेंगे दोस्तों, सिर्फ उतना ही टॉपिक आप लोग को हम यहाँ पर कवर कराए हैं जितना आप लोगों का एग्जाम में आने का संभावना है। अब ऐसा नहीं ना कि एग्जाम में पूछ रहा है 10 टॉपिक तो आप लोग को 50 टॉपिक लेकर के दे दिए कि ले बबुआ पढ़त रहो दिन भर दिन रात या जॉब लगा कितने रहे भाई इस बार। तो भैया ध्यान में रखिएगा कि उतना ही टॉपिक देखने को मिलेगा जितना आप लोग के एग्जाम में आने की संभावना है, उतना नहीं फालतू का यहाँ पर टॉपिक देखने को नहीं मिलेगा, बस उतना ही पढ़िए जितने में आप लोग का जॉब हो पाए, ज्यादा पढ़ने का कोई मतलब नहीं निकलता। उसके बाद यहाँ पर आप लोग का रीजनिंग से क्वेश्चन पूछेगा और लास्ट में आप लोग का जनरल अवेयरनेस से भी क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों। तो ये चारों टॉपिक हम आप लोग के लिए जो है टॉपिक वाइज आप लोग देख सकते हैं आप लोग के लिए उपलब्ध करा दिए, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेज में मिल जाएंगे, अवेलेबल है हमारे पास अगर आप लोग चाहते हैं नोट्स को लेना। और साथ में दोस्तों आप लोग के लिए प्रैक्टिस सेट भी देंगे, तो अगर आप लोग चाहते हैं नोट्स को लेना तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट जरूर
से जरूर कर लीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर क्या है तो अभी हम आप लोग को बतला दे रहे हैं। सबसे पहले हम लोग अपने डाटा पर चलते हैं भैया कि हम लोग जो डाटा ने हम लोगों ने जो अरेंज किया है आखिर उस डाटा को सबसे पहले समझना जरूरी है। तो दोस्तों अगर आप लोग व्हाट्सएप नंबर लेना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए फटाफट सभी भाई लोग नोट करिए तो 7870141238 ये क्या है आप लोग के लिए व्हाट्सएप नंबर है दोस्तों 7870141238। क्या करना है हमारे प्यारे साथियों तो आप लोग को इजीली जो है व्हाट्सएप कर देना है और व्हाट्सएप करने के बाद आप लोग को अपना ग्रेड बतला देना है। अगर मान लीजिए आप लोग टेक्नीशियन के स्टूडेंट नहीं है ग्रुप डी के हैं एनटीपीसी के हैं एएलपी के हैं या फिर एसएससी जीडी के हैं एसएससी एमटीएस का है बिहार पुलिस के हैं राजस्थान पुलिस है हरियाणा पुलिस है इंडिया के किसी भी कंपटीशन लेवल एग्जाम के लिए अगर आप लोग को नोट्स चाहिए तो आप लोग इसी नंबर पर कांटेक्ट करिएगा। कभी भी लाइफ में इस नंबर पर आप लोग को नोट्स दे दिया जाएगा 7870141238। आप लोग को जो है व्हाट्सएप करना है अपने यहाँ पर कोर्स बतला देना है कि हमारे कौन सा कोर्स है और कोर्स बतलाने के बाद मात्र 70 रुपये आप लोग को पे करना है। दोस्तों एक शाम का पिज्जा बर्गर समोसा कुछ भी छोड़िएगा ना तो आप लोग आराम से इस नोट्स को ले सकते हैं मात्र 70 रुपये में डेली शाम हमारे कोई भी भाई शाम में जाते हैं बाहर तो इतना खा जाते हैं हमें भी अच्छे से मालूम है तो 70 रुपये में आप लोग को पूरा नोट दे दिया जाएगा। नंबर नोट कर लिए 7870141238 ये आप लोग के लिए व्हाट्सएप नंबर है। कभी भी इंडिया के कोई भी एग्जाम के लिए आप लोग को यहाँ पर जो है नोट्स मिल जाएगा। चलिए आगे हम लोग समझ लेते हैं कि फिटर ट्रेड के लिए स्पेशल ये सेशन क्यों बनाया गया है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग यूआर कैटेगरी का बात करेंगे यानी कि जनरल का। तो दोस्तों देखिए अच्छे से आप लोग को भी मालूम होगा अगर आप लोग जनरल कैटेगरी से हैं तो किसी से भी बात करिएगा ना तो सबके जुबान पर अभी दो ही जोन आ रहा है वो अभी है चेन्नई और मुंबई। ऐसा कारण क्यों है क्योंकि देखिए उनको अपने कैटेगरी के सीटों की संख्या नहीं मालूम है। ऐसा मत सोचिए कि यहाँ पर 365 है 336 है तो वो लोग ये जान रहे हैं। उनके मन में बस यही चल रहा है ना भैया कि जो टोटल ग्रेड है ना टोटल नंबर कि यहाँ पर सबसे ज्यादा वैकेंसी है। क्या सोच है कि भैया मुंबई और चेन्नई में कितना कितना है तो 920 और 829 सीट है तो वहीं पर फॉर्म को अप्लाई करना है चलो आराम से जॉब मिलेगा। तो भैया हम लोग को क्या करना है इजिली ये दो जोन को जो है छांट दीजिए। अगर आप लोग का कोई भी मित्र होगा उनसे जरा डिस्कस करिएगा जो जिनको हमारे चैनल के बारे में नहीं मालूम होगा कि भैया आप अगर यूआर कैटेगरी से तो कहाँ पर फॉर्म को फिलअप करेगा उनके जवान से यही दोनों में से कोई एक जोन आएगा ये हम लिख करके दे देंगे। तो आप लोग को ये दोनों जो कभी भी नहीं चूज करना है दिमाग में बैठा लीजिए। चूज करना है चूज करिए कोलकाता को कोई दिक्कत नहीं अहमदाबाद अजमेर सिकंदराबाद बिलासपुर को जो है ना दोस्तों हम इसलिए अभी यहाँ पर छाटे हुए हैं क्योंकि अभी इधर एएलपी में का हम फॉर्म फिलअप देखे हैं तो बिलासपुर में बहुत सारे बच्चे जो हैं गए हैं तो शायद बिलासपुर में टेक्नीशियन वाले भी जा सकते हैं जहाँ तक हमें संभावना है। तो जम्मू श्रीनगर डालिए कोई दिक्कत नहीं। गुवाहाटी वैसे तो बहुत कम सीटें हैं 100 से कम है तो यहाँ पर मैंने उसको ऐसे छोड़ा हुआ है ठीक है। यहाँ पर देखिए आप लोग यहाँ पर डाल दीजिएगा कोई दिक्कत नहीं है भोपाल में डालिएगा ठीक ठाक है ठीक है। उसके बाद अगर बात कर ले तो बेंगलुरु भैया थोड़ा सा महंगा है और कम सीटें भी है तो यहाँ पर तो ऐसे नहीं बोलेंगे मगर बहुत सारे बच्चों का मैसेज आता है इसलिए मैंने यहाँ पर इसको रेड जोन में रख लिया है। मगर ज़्यादा आप लोग के लिए जो बेस्ट है वो रहेगा आप लोग के लिए कोलकाता अहमदाबाद अजमेर सिकंदराबाद और फिर रहेगा जम्मू श्रीनगर और फिर भोपाल। ये 6 ऐसे आप लोग के लिए जनरल कैटेगरी के लिए है दोस्तों ये 6 जोन जहाँ पर आप लोग इजीली फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं मिला जुला करके ठीक ठाक सीटों पर संख्या देखने को मिल रही है। उसके बाद एससी कैटेगरी की बात कर लेते हैं तो देखिए दोस्तों जनरल की तरह तो एससी में फाइट होता है नहीं बहुत कम बच्चे देखने को मिलते हैं तो वो लोग तो कहीं से भी कर सकते हैं मगर फिर भी आप लोगों के लिए हम यहाँ पर जो है कुछ सिलेक्टेड जोन यहाँ पर छाट करके निकाले हुए हैं जैसे कोलकाता अहमदाबाद अजमेर बिलासपुर करिए जम्मू श्रीनगर गुवाहाटी करिए आप लोग कोई दिक्कत नहीं है। एसटी की भी बात कर ले तो कोलकाता अहमदाबाद अजमेर में मत करिएगा 29 सीट है बहुत कम सीट है। सिकंदराबाद ठीक ठाक है यहाँ पर दोस्तों ठीक है सॉरी अजमेर में हमने यहाँ पर कुछ कारण था कि छाटा हुआ था ठीक है अभी एग्जैक्ट हमें ध्यान नहीं है मगर मैंने बहुत सोच समझ करके अजमेर को यहाँ पर छाटा था। उसके बाद देखिए जम्मू श्रीनगर में कम सीट है मगर ठीक ठाक आप लोग के लिए जो है फाइट देखने को मिलता है। गुवाहाटी भी आप लोग को ठीक ठाक है ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा एससी कैटेगरी एसटी के लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा दोस्तों। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं ओबीसी कैटेगरी का ओबीसी के लिए कौन सा बेस्ट रहने वाला है दोस्तों। तो देखिए कोलकाता ठीक रहेगा अहमदाबाद ठीक रहेगा अजमेर भी ठीक रहेगा सिकंदराबाद भी ठीक है दोस्तों कोई दिक्कत नहीं बिलासपुर भी कर लीजिए और जम्मू श्रीनगर भी कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं है ये आप लोग के लिए मिला जुला कर ठीक है। और इधर बेंगलुरु में भी कर सकते हैं आप लोग रांची में आप लोग का मन है तो करिए मगर थोड़ा सा कॉम्पिटिशन यहाँ पर हाई जा सकता है हमारा जहाँ तक उम्मीद है। और देखिए भैया जितना आप लोग यूपी और बिहार से दूर रहिएगा उतना सेफ रहिएगा इतना दिमाग में बैठा लीजिए। और हाँ साथियों एक बात और बोलना चाहेंगे अगर भैया पढ़ने में 100% हैं
कि नहीं भैया हम तगड़े हैं, कहीं से भी जॉब निकाल लेंगे, कहीं से भी सिलेक्शन ले लेंगे, तो भैया अपने होम टाउन में करिए, ठीक है। अगर पढ़ने में मीडियम है तो जहाँ पर बतला रहे हैं वहाँ पर करिए, और भैया पढ़ने में एकदम लो है तो फॉर्मे को मत अप्लाई करिए। बिना तैयारी का फॉर्म अप्लाई करना यानी कि माँ बाप का पैसा बर्बाद करना, जाइएगा भैया एग्जाम देने फिर 2-3 हज़ार रुपया खर्चा करिएगा, उससे अच्छा है फॉर्म को मत फिलअप करिए। आगे बढ़ते हैं, EWS की तरफ हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए इनके लिए भी कोलकाता, अहमदाबाद, अजमेर और फिर सिकंदराबाद करिए, बिलासपुर यहाँ पर भी EWS के लिए मैंने छाटा हुआ है। यही कारण है बिलासपुर को छाटने का कि भैया यहाँ पर बिलासपुर में मैंने ALP में ज़्यादा जो है सीटें देखा है EWS के लिए, ठीक है, तो इसीलिए मैंने उसको छाटा है। जम्मू श्रीनगर करिए, मिला जुला करके ठीक ठाक है। तो ये हमारे नज़रिए से जो था वो हम आप लोग के लिए सेव पतला है। अगर आप लोग कमेंट करिएगा कि आप लोग को कैसा लगता है वीडियो, अगर अच्छा लगता है तो जरूर से जरूर दोस्तों मित्रों के पास शेयर करिएगा। चैनल पर नए विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा लीजिएगा दोस्तों। ऐसे ऐसे हम आप लोग को सारे इन्फॉर्मेशन प्राप्त करवाते रहते हैं। और अगर आप लोग को नोट्स चाहिए किसी भी एग्जाम के रिगार्डिंग तो इस नंबर पर जो है आप लोग व्हाट्सएप कर लीजिएगा, स्क्रीन शॉट ले लीजिए, स्क्रीन से हट गए। वैसे आप लोग के लिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी ये बेस्ट रहेगा, ठीक है दोस्तों। 7870141238 ये आप लोग के लिए व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है दोस्तों। चलिए आशा करेंगे कि वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ से प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर करिएगा, और चैनल पर नए विजिट किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। नेक्स्ट थोड़ी देर में आप लोग को और भी सभी ट्रेड का बतलाने वाले हैं, मशीनिस्ट, वेल्डर सभी का बतलाएंगे, चिंता नहीं करना है। आप लोग अपना जो है भी ट्रेड है कमेंट करिएगा, आप लोग का ट्रेड से रिलेटेड हम वीडियो जल्द से जल्द उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।